गाजा पट्टी पर पूरी रात इसराइल की बमबारी, हमास के 200 ठिकानों पर एक साथ टूटे लड़ाके, मीडिया रिपोर्ट्स में 1500 आतंकियों के खात्मे का दावा। युद्ध पर दो हिस्सों में बटी दुनिया, इसराइल के समर्थन में 5 ताकतवर देशों का साझा बयान, ईरान ने हमले को जिहाद की अभिव्यक्ति बताया। दिल्ली में आपके विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन, संजय सिंह की हिरासत पर भी आज फैसला। योगी कैबिनेट के विस्तार की तैयारी, ओपी राजभर, दारा सिंह को मिल सकता है मंत्री पद, कुछ कैबिनेट मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी। डेंगू की चपेट में आए क्रिकेटर शुभमन गिल को अस्पताल से छुट्टी, चेन्नई में इलाज, पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरना नामुमकिन।